एक्सपर्ट जिस तरह से तीसरी वेव का अनुमान लगा रहे हैं, ऐसे में कर्नाटका जो है वो तीसरी वेव को लेकर किस तरह से तैयारी कर रहा है, इसकी अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं जहां पर अस्पताल जो है वो कुछ इस तरह से सेटअप किए जा रहे हैं। ये बच्चों के लिए वो अस्पताल है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव में बच्चे जो है वो सबसे ज़्यादा उन पर असर पड़ सकता है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं ये तमाम जो वार्ड आप यहाँ पे देख रहे हैं उनमें ना किसी तरह की ईंट ना किसी तरह का सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। खासतौर पर अगर हम वॉल्स की बात करें या रूफ की बात करें, ये पूरी तरह से विदाउट सीमेंट और विदाउट किसी ब्रिक के बनाए गए हैं। अंदर की अगर तस्वीर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये तैयारियां जो हैं वो फिलहाल चल रही है जहां पर ये अस्पताल जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं। करीब 180 बेड का ये अस्पताल जो है वो बनकर तैयार हो रहा है निमांस के प्रिमाइसिस में। और आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से तैयारियां जो है वो तेज़ी के साथ यहां पर चल रही है और अगले एक महीने के भीतर 180 बेड का ये अस्पताल जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, जहां पर तमाम मेडिकल फैसिलिटीज़ ICU से लेकर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से लेकर आइसोलेशन की तमाम तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि अगर तीसरा वेव जो है वो काफ़ी हद तक हिट करता है तो किस तरह से जो है हम पहले से इसकी तैयारी कर सके। क्योंकि कर्नाटका की अगर खासतौर पर बात करें तो दूसरे वेव के दौरान भी बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो कर्नाटका पर देखा गया था, कई लोग इससे प्रभावित हुए थे। ऐसे में तीसरी वेव को लेकर सरकार किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं उठाना चाहती और यही कारण है कि ना सिर्फ बेंगलुरु बल्कि राज्य के दूसरे ज़िलों में भी इस तरह के टेम्प्ररी अस्पताल जो है वो सेटअप किए जा रहे हैं, ताकि पूरी तरह से मेडिकल सुविधाएँ जो है वो लोगों तक पहुँचाई जा सके। All the students, we are screening them, we are testing them through RT-PCR, and similarly, this entire zone, we have done a containment zone. We announced it. We have declared this as a containment zone, so that the movement is totally curbed for the next 7 to 10 days. Based on the negative report after 7-8 days. We will lift this cups. सिक्स टास्क फोर्स में शिक्षण तज्ञ लोग भी है, डॉक्टर्स भी है, सब मिलाकर यह निर्णय ले चुका है 23 से हम लोग क्लासेस प्रारंभ करना। 1 साल 6 महीना सब बच्चों को लिए क्लासेस कंटिन्यूटी नहीं रहने के कारण से उसका पढ़ाई में बहुत तकलीफ हो चुका है। वह तकलीफ निकालने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। हम लोग सब SOP में भी सब देखने के बाद कर चुका है और हमारा अधिकारी लोग को SOP के अनुसार क्लासेस प्रारंभ करने के लिए बोल चुका है। ABP News, आपको रखे आगे।